दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सोनू। मैं आपको इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, जो कि क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। और ये फॉर्मूले हैं क्लास 11 के, ये क्लास 11 के फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूजफुल होते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाई वन। तो सबसे पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, साइन और कॉस को आप मान के चलिए एक साथ और कॉस और साइन को मान के चलिए एक साथ। तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट एंगल को लीजिएगा साइन ए, उसके बाद बी वाले को ले लीजिएगा कॉस के साथ, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस को ले लीजिएगा फिर फर्स्ट एंगल, कॉस ए इंटू फिर साइन को ले लीजिएगा सेकेंड एंगल में साइन बी। तो इसी तरीके से इसका फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। और साइन ऑफ ए माइनस बी में कुछ करना नहीं है, बस साइन को चेंज कर देंगे। तो इसी के साथ साथ साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और तीसरा फॉर्मूला है कॉस ए ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी में याद रखिएगा कि कॉस का ही फर्स्ट और सेकेंड एंगल लेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। उसके बाद प्लस वाला में माइनस यूज हो जाता है और उसके बाद साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से कॉस ऑफ ए माइनस बी का तो बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बस साइन चेंज हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको, आप एक दो बार इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत आपको कॉन्सेप्ट में यूज होता है। इसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला है टैन का, टैन ऑफ ए प्लस माइनस बी। टैन ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू होता है टैन ऑफ प्लस माइनस टैन बी अपॉन वन अप माइनस टैन ए इंटू टैन बी। बस ध्यान रखना है कि प्लस वाले कॉन्सेप्ट में, प्लस वाले एंगल में आपको बस नीचे में वन के साथ माइनस टैन ए इंटू टैन बी यूज करना है, और माइनस जा रहेगा तो ऊपर में टैन ए माइनस टैन बी हो जाएगा और नीचे में सीधे प्लस का साइन आ जाता है, वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी होता है। तो चलिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है एंगल वाला, जो कि याद करना होता है। बहुत बहुत समय ये होता है कि आप हमेशा आप साइन का आप ये याद नहीं रख सकते हैं, साइन का 15 डिग्री, कॉस का 15 डिग्री, साइन का 18 डिग्री, कॉस का 18 डिग्री, कॉस का 36 डिग्री, ये सब आपको याद रख पाना, ये सब आपको एट अ टाइम कैलकुलेशन कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए आप इसको याद कर ले तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको वेक्टर वगैरह और काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन वगैरह ये सब में, सॉरी लॉज ऑफ मोशन तो नहीं, वर्क पावर एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह में इस फॉर्मूले का यूज होता है, खास करके ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसके लिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चलिए आपके साथ वन बाई वन डिस्कस करता हूँ, वन बाई वन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, साइन 15 डिग्री का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, और साइन और कॉस सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के। कॉस 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री का, सॉरी साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होते हैं कॉस थीटा। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो यानी कि हम 90 माइनस 15 डिग्री कर देंगे तो कॉस 75 के इक्वल हो जाएगा। अगर इतना वैल्यू अगर इसका है तो ये दोनों भी रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 के इक्वल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना होगा साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो उसी के साथ साथ सेकेंड कॉन्सेप्ट है कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू होता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा उसी तरीके से साइन का। तो साइन हो जाएगा फिर उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा साइन 75 डिग्री।
साइन 75 डिग्री, जो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू होगा वही साइन 75 डिग्री का वैल्यू होगा। इससे क्या होगा, आपको याद रखने में बहुत इजी होगा, तो आप ये ध्यान रखिए। और मैं एक वीडियो और बना दूंगा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का, कब पॉजिटिव साइन होता है कब निगेटिव साइन होता है। तो सबसे पहले आप इस टाइम पर आप फॉर्मूला देख लीजिए, उस टाइम मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा। उसी तरीके से टैन 15 डिग्री का वैल्यू होता है 2 माइनस रूट थ्री, और टैन 75 का वैल्यू होता है 2 प्लस रूट थ्री। आपको याद हो गया होगा गाइस 2 प्लस रूट थ्री। और सेकंड कॉन्सेप्ट है साइन 18 डिग्री का, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू आप याद रखिए √5 - 1/4। साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 - 1/4। उसी तरीके से कॉस 18 डिग्री का वैल्यू होता है 1/4 √10 + 2√5। मानते हैं कि गाइस इसको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूले और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने में यूज होते हैं। तो उस टाइम पे आपको अगर याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में आप आधा अधूरा क्वेश्चंस करके चले आएंगे। होता है अक्सर कभी कभी कि क्वेश्चंस में गिवेन होता है साइन 18 डिग्री का, बट कभी कभी नहीं गिवेन होता है, इसलिए आपको याद रखना बहुत ही मस्ट है, तो आप याद कर लीजिएगा। और सेकेंड है कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 + 1/4। उसी तरीके से साइन 36 डिग्री का वैल्यू होता है 1/4 √10 - 2√5। आपको बस इतना याद रखना है कि साइन और कॉस, साइन के कॉस के 18 डिग्री का वैल्यू बस 1/√10 + 2√5 है, 10 प्लस है अंडर रूट में, और साइन 36 डिग्री में 1/4 √10 - है। तो आपको बस ये ध्यान रखेंगे तो आपको ये और ये याद हो जाएगा। तो याद करने का सिंपल तरीका आपको पता चल गया होगा, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कॉस और साइन में। और उसी तरीके से टैन 15 डिग्री में 2 - √3 है, तो यहाँ पे बस टैन 75 में आपको इतना याद रख लेना हो कि माइनस की जगह प्लस करना है। साइन 18 डिग्री में √5 - 1/4 हो जाता है, और कॉस 18 डिग्री में जो वैल्यू होता है 1/4 √10 + 2√5 होगा, वही साइन 36 डिग्री में बस माइनस का डिफर करता है, और कॉस 36 डिग्री होता है √5 + 1/4। तो थैंक यू दोस्त, आगे मैं और भी फॉर्मूला को डिस्कस करता हूँ, आप इसी तरीके से वीडियो पे बने रहे। अब सेकेंड फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूलों को आप बारीकी से देखिए, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है ये भी है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपके साथ मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, 2 sin A into cos B क्या होता है, 2 sin A into cos B होता है sin A + B + sin A - B। ये फॉर्मूला आपको यूज होगा अक्सर इंटीग्रेशन में, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है u into v dx, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे तो u into v वाला आइलेट का रूल लगाना पड़ता है, आइलेट का रूल लगाना पड़ता है, ये अभी आगे का बात है, बट मैं आपको समझाने के लिए, इसका यूज बताने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला नहीं होता तो आपको ऐड में यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन हो जाता है, क्योंकि एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन रूल है। और तो यहाँ पे आपको चेंज करना तो नेसेसरी हो जाएगा, क्योंकि दे दिया जाएगा 2 sin 6A into cos 6B, तो वहाँ पे आप कैसे कीजिएगा, इसीलिए आपको ये वाला फॉर्म 6x में वहाँ दिया जाएगा, तो क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसी तरीके से आपको यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फॉर्मूला का आपको इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया, मैं इस फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, याद करने का ट्रिक ये है, 2 sin A into cos B = sin A + B + sin A - B। सिंपली आप इसको 2 बार 3 बार 1 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, या आप अपने स्टडी टेबल के सामने आप वॉल पे चिपका सकते हैं, जो आपको डेली आप 10 मिनट देखेंगे, 5 मिनट भी देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो उसी तरीके से सेकेंड है 2 cos A into sin B, 2 cos A into sin B, तो होता है फॉर्मूला sin A + B - sin A - B। बस यहाँ पे साइन का चेंजिंग है, बस यहाँ पे साइन का चेंजिंग है, और यहाँ पे इंटरचेंज होना है बस एंगल का। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर एंगल का इंटरचेंज होता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला में तो बस साइन का चेंज होता है। इस तरीके से भी याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये सब ट्रिक होते हैं एलिमिनेशन, याद करने के एलिमिनेशन का। थर्ड कॉन्सेप्ट है 2 cos A into cos B = होता है cos A + B + cos A - B। उसी तरीके से आप अगर साइन का आ जाएगा तो बस साइन चेंज हो जाएगा, cos A - B - cos A + B। उसी तरीके से एडिशन वाला फॉर्मूला आ जाता है, तो एडिशन वाले फॉर्मूले में sin C + sin D है, तो sin C + D को हम सिंपली लिख सकते हैं 2 sin C + D / 2 × cos C - D / 2। इसको ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले में, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने का ट्रिक होगा ये
फॉर्मूला है, और साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी तो होता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू बाई इन टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू। उसी तरीके से ये है कॉस सी प्लस डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। उसी तरीके से कॉस सी माइनस कॉस डी में बस इतना होगा, यहाँ पे साइन का हो जाएगा, और आप देख लीजिए यहाँ पे टू साइन सी प्लस डी बाई टू हो जाता है और साइन सी माइनस डी बाई टू हो जाता है। तो आप यह ध्यान में रखेंगे, यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से कॉस ऑफ टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको पहले याद रखना होगा, सबसे पहले आपको इसको याद रखना होगा। तो आप इसे याद कर लेंगे, आई होप आप इसे याद कर लेंगे। कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज ऑल्सो इक्वल होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए ऑल्सो इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ये तो आप समझ लीजिए रामबाण होता है इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे, जो आपको आगे इंटीग्रेशन पढ़ना है वहाँ पे ये रामबाण साबित होता है इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे। तो आप इसको याद ही कर लेंगे, और सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है इस फॉर्मूले को, कॉस टू ए और साइन टू ए वाले फॉर्मूले और टैन टू ए वाले फॉर्मूले को। तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में बहुत ज़्यादा यूज है, और ख़ास तौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका यूज होता है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं यही फॉर्मूलेज वगैरह में, बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं और कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो यही सब कुछ कुछ शॉर्ट टर्म है जिसे आपको याद रख करके आप वहाँ पे अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए कॉस टू ए का हमने डिस्कस कर दिया, आप साइन टू ए का डिस्कस कर रहे हैं। साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए। उसी तरीके से टैन टू ए होता है टू टैन ए अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ए अपॉन टू, इसी को आगे डेरिवेट करके इस टर्म में किया गया है इस फॉर्मूले को। तो देखिए कॉस टू ए के फॉर्मूले को साइन के टर्म में लिखना है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस कॉस टू ए अपन टू, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखना है वन प्लस कॉस टू ए अपन टू। तो ठीक है दोस्तों, आगे मैं और भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा, आज के लिए इतना ही। और इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और मैं इस फॉर्मूले का PDF मैं लिंक का इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और इस तरीके कॉन्सेप्ट को चाहिए तो आप मेरे कमेंट में जाकर के आप लिखिए आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो फॉर्मूला। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली फार्मूला, और प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर दें तो मेरे लिए एक मोटिवेशन का साबित होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।